हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेलुलोना और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमने इसमें क्लास नाइन्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स अब तक देख चुके थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंडेक्स क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपकी नाइन्थ क्लास की बुक से। तो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 148 पर क्या दिया हुआ है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। हमें क्या निकालना है, उस केस के अंदर हमारा वर्क डन कितना हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो इस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 7 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर 7 न्यूटन का। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है जब इस पर फोर्स लगेगा तो क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि यहां पे चला गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे चला गया ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है दिस कितनी है, ये 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको एग्जांपल की तरीके से क्वेश्चन नहीं लग रहा, जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी याद होगा आपका, तो उसी की तरह सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन, बस चेंज कर दिया है। तो एक तो फोर्स चेंज कर दिया और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब देखिए इस, तो ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट गया तो इस केस के अंदर हमारा वर्क डन कितना हुआ, तो यही कैलकुलेट करना है हमें। समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन, तो करते हैं इसे कैलकुलेट। देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर, आंसर लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, हमें फोर्स दे दिया, फोर्स एफ कितना दे दिया, 7 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट से 8 मीटर, हमें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट मींस एस कितना है, 8 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन कितना हुआ। वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। तो यहां से हमारा वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 7 न्यूटन इंटू में 8 मीटर, तो 7 × 56 न्यूटन मीटर, जो कि क्या हो जाता है हमारा वर्क डन जो है 56 जूल। दिस इज कन्वर्टेड इंटू अवर जूल, सो ये हमारा आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जांपल से रिलेटेड था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी वीडियो के अंदर। सो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं आपके जो मुझे लगते थे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस को मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि मैंने नोट्स बनवा रखे हैं, आप जाके उस वाली वीडियोस में देखिएगा, उसमें आपको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कंपलसरी हैं, बहुत ज्यादा मतलब आने के चांसेस जिनके ज्यादा हैं। तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 149 पर, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। हमें डिफाइन करना है वन जूल ऑफ वर्क होता क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए वन जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ, आंसर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन the amount of the work done when a force of one newton act on an object act on an object move by a distance of one meter in its own direction। तो इसी को क्या कहते हैं हम इसी चीज को क्या कहते हैं, is equal to one joule। देखिए क्या लिखा है मैंने, the amount of work done by a force of one newton act on a object and object move by a distance of one meter, यानी कि एक object पर हमारा एक force लग रहा है जो कि क्या हो रहा है, object move कर रहा है by a distance of one meter in its own direction is equal to one joule। तो work क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए work done can be described as described कैसे करते हैं हम work done को, work done is what force into distance, okay force into distance। So the unit of work done depends upon the unit of force and the unit of distance। SI unit of force is SI unit of force is newton and distance and while distance measured in meter। क्या लिखा है मैंने, देखिए सो द यूनिट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ फोर्स
एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन व्हाइल डिस्टेंस मेजर इन मीटर। तो क्या लिखेंगे, देखिए वर्क डन क्या हो गया हमारा, वर्क डन जो हो गया हमारा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, एंड दिस न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल। दिस सो दी वन न्यूटन इंटू वन मीटर इज कॉल्ड जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, इज जूल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको डिस्क्राइब करना है और कैसे लिख के आना है एग्जाम में। आपको एज इट इज लिख के आना है, तो आपको इसमें ये आपका क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, जिसमें इसको हमें डिफाइन करना होता है कि वन जूल ऑफ वर्क डन कहते किसे है बेसिकली, हमें वो डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।